सोसाइटी, आपकी फैमिली वही करते हैं ना। तो बेचारी औरत को क्या, हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। विच आई ऑलवेज से कि गांव में या कहीं भी शहर में लड़कियां पढ़ी लिखी होती है। आज भी मैंने इट इज़ एन ऑनर एंड थैंक यू सो मच। इट इज़ एनुअल वुमन लीडर्स अवार्ड एंड इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी और आई गॉट दिस अवार्ड। अवार्ड्स आर ऑलवेज गुड और स्पेशली जब वुमन अचीवर अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है कि आपके काम के लिए सबके लिए तो मिलता है लेकिन आपने अपनी लाइफ में क्या किया उसके लिए जब अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है। दिस इज़ नॉट द लास्ट वन बट इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीवन हु चोज मी फॉर दिस, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा एंड थैंक यू सो मच। जानना शोषण कौन करता है, हम ही लोग करते हैं ना। सोसाइटी, आपकी फैमिली वही करते हैं ना। तो बेचारी औरत को क्या, हमारी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। विच आई ऑलवेज से कि गांव में या कहीं भी शहर में लड़कियां पढ़ी लिखी होती है। आज भी मैंने बहुत लोगों को बोलते सिखा है कि लड़कियां पढ़ी लिखी होती है इसलिए उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। पढ़ी लिखी है इसलिए वो अपने पैर पे खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई करना चाहती है। वो चैन से रहना चाहती है और अपनी फैमिली को खुशी रखना चाहती है। लेकिन अगर छोटे शहर में या छोटे क्या बड़े शहर में भी लोगों की सोच ऐसी है कि जो फैमिली है, इन लॉज है, हस्बैंड्स है, अगर वही अपनी औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमारी सोच को बदलना ज़रूरी है। जो माँ अपने बेटे को सिखाती है उसको सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि औरतों की इज्जत करना सीखो, चाहे वो अपनी बेटी हो या पराई। हमारा यहाँ क्या होता है, अपनी बेटी की तो सब इज्जत करते हैं लेकिन दूसरों की नहीं करते। देर इज़ द प्रॉब्लम, देर इज़ अ हिपोक्रेसी एंड वी हैव टू चेंज दैट एटीट्यूड। जब वो चेंज हो जाएगा ना तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मैम, एक्टिंग आपकी स्कूल से शुरू हो चुकी है तो क्या आप अपने स्कूल के द्वारा कोई गरीब महिलाओं को? डेफिनेटली अगर ऐसा कोई सीखना चाहता है, जो जेन्यूनली सीखना चाहता है, आई विल डेफिनेटली हेल्प देम। क्योंकि मेरा महिलाओं का नहीं, मेरा जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको मैं ट्रेन करना चाहती हूँ, इसीलिए कि लाइफ में ना सिर्फ आप हीरो बनो, हीरोइन बनो, बट अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट बनो। यू शुड ऑलवेज नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, जहाँ भी आप जाओ अपना नाम रोशन करो, कॉन्फिडेंस से रहो। एंड जब उनका नाम रोशन होगा डेफिनेटली दिया का नाम रोशन होगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, मेरा बैच शुरू हो रहा है 20 तारीख से एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स आउट स्टेशन से आ रहे हैं। जब वो बैच ख़त्म होगा मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब दीपशिका इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग से कोई सितारा बाहर निकलेगा, जो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट डे एंड कीपिंग माई फिंगर क्रॉस। थैंक यू सो मच।